हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोशन एंड यू आर वाचिंग रोशन टेक्स इन द यूट्यूब चैनल। अगर आपने लैपटॉप परचेस करने का प्लान किया है तो अभी अमेजोन का ग्रेट समर सेल यहां पे लाइव हो चुका है 2nd ऑफ मे, यानी आज से प्राइम मेंबर्स के लिए लाइव हो चुका है। अगर आपको ये लैपटॉप परचेस करना है तो इस लैपटॉप पे अभी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लैपटॉप एचपी का लैपटॉप है, एचपी लैपटॉप 13th जनरेशन इंटेल कोर i5 1335U वाला प्रोसेसर इसमें देखने को मिलता है। ये एक यू सीरीज वाला प्रोसेसर है, तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा बैटरी बैकअप और प्लस यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है। इस लैपटॉप में आपको 15.6 इंच का फुल एचडी वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 8 GB की DDR4 रैम है, 512 GB का SSD इसमें मिलता है और इंटेल का इरिस XC ग्राफिक्स देखने को मिलता है, 1080 पिक्सल का फुल एचडी कैमरा देखने को मिलता है और प्लस यहाँ पे आपको प्राइवेसी शटर भी इसमें देखने को मिलता है कैमरा में, और प्लस यहाँ पे आपको बैकलिट वाला कीबोर्ड भी देखने को मिलता है। अगर आपका बजट 53,000 है, 52-53,000 है, तो डेफिनेटली आप इस लैपटॉप के साथ जा सकते हो, क्योंकि इस लैपटॉप का ओरिजिनल प्राइस 55,000 प्लस है। अगर आप यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप प्राइम मेंबर हो तो उसके लिए आपको तो काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ओके, प्राइम मेंबर्स के लिए तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, बट अगर आपको अच्छे डील्स एंड ऑफर में लैपटॉप परचेस करना है तो उसके लिए आपको अमेजोन का प्राइम मेंबर का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तभी आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर आप न्यू परचेस करते हो तो 55,490 इसका रेगुलर प्राइस है, बट अगर आप प्राइम मेंबर के साथ इसको परचेस करते हो तो 53,990 के प्राइस पे ये लैपटॉप देखने को मिलता है। ठीक है ना, बाकी यहाँ पे मैं आपको इसके बैंक ऑफर्स भी दिखा देता हूँ कि कैसे बैंक ऑफर्स इस लैपटॉप पे अभी देखने को मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको प्राइम सेविंग एडिशनल 500 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिलता है आईसीआईसीआई के क्रेडिट कार्ड 9 मंथ एंड अबव ईएमआई ट्रांजैक्शन पे। अगर आप इस लैपटॉप को ईएमआई ट्रांजैक्शन पे परचेस करते हो तो यहाँ पे आपको मिनिमम 500 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिलता है, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ना के बराबर डिस्काउंट देखने को मिलेगा, ज्यादा डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा। बट फ्रेंड्स, अगर आप इस लैपटॉप को आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड नॉन ईएमआई ट्रांजैक्शन पे परचेस करते हो तो यहाँ पे आपको इंस्टेंट 1,250 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पे आपको 1,500 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, बट अगर आप ईएमआई ट्रांजैक्शन करते हो ना तभी आपको ये डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, बाकी फ्रेंड्स अगर आपके पास अगर आप इसको नॉन ईएमआई ट्रांजैक्शन पे परचेस करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको मिनिमम 1,250 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो 53,990 अभी इसका प्राइस चल रहा है। अगर आप इसमें 1,250 रुपीज का डिस्काउंट इंक्लूड करते हो तो ये लैपटॉप आपको 51,000 से 52,000 के प्राइस पे देखने को मिल जाएगा। इसका भी मैं बेस्ट बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां पे जाके आप इस लैपटॉप को परचेस कर सकते हो। बाकी अभी हम इस लैपटॉप के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम इस लैपटॉप के वेट की बात करते हैं तो 1.6 kg इसका वेट है, ठीक है ना, और यहाँ पे आप देख सकते हो 0.73 इसका हाइट है, विड्थ कितना है 9.29 है, लेंथ 14.17 है, ठीक है ना। बाकी फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे प्रोसेसर की बात करते हैं तो इस लैपटॉप का जो प्रोसेसर है वो काफी ज्यादा हाईलाइट स्पेसिफिकेशन है इस लैपटॉप का। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इस लैपटॉप में आपको लेटेस्ट इंटेल का कोर i5 13th जनरेशन वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। इस प्रोसेसर में आपको परफॉर्मेंस काफी ज्यादा हाइब्रिड मिलने वाले है, क्योंकि हाइब्रिड आर्किटेक्चर पे इस प्रोसेसर को बनाया है। इसमें आपको डायनेमिक पावर शेयर भी देखने को मिलता है, यानी फ्रेंड्स इस लैपटॉप का जो प्रोसेसर है इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो 13 जनरेशन का इंटेल कोर i5 1335U सीरीज वाला ये प्रोसेसर है, तो यहाँ पे आपको ग्राफिक्स की सॉरी
जो बैटरी है वो काफी अच्छी देखने को मिलेगी, बैटरी बैकअप अच्छा देखने को मिलेगा, पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है और ज्यादातर यू सीरीज वाले प्रोसेसर जो रहते हैं वो अल्ट्रा बुक में इस्तेमाल किए जाते हैं। और इस लैपटॉप में आपको इंटीग्रेटेड इंटेल इरिस एक्सी वाली ग्राफिक्स देखने को मिलती है जो इंटेल की खुद की ग्राफिक्स है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आपको 8 GB की DDR4 3200 MHz फ्रीक्वेंसी वाली रैम देखने को मिलते हैं, 512 GB का PCIe का SSD देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 यहाँ पे फ्री देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगर आपको ये लैपटॉप परचेस करना है तो इसका भी मैं बेस्ट बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां पे जाके आप इस लैपटॉप को परचेस कर सकते हो। इस लैपटॉप में आपको फुल साइज का बैकलेट कीबोर्ड मिलता है, वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5.3 का लेटेस्ट वर्जन देखने को मिलता है। वाईफाई 6 होने की वजह से यहाँ पे आपको डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग की स्पीड काफी अच्छी देखने को मिलेगी, वाईफाई की रेंज काफी अच्छी देखने को मिलेगी। 1080 पिक्सल के FHD कैमरा के साथ यहाँ पे ये लैपटॉप देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको जो कैमरा है वो काफी अच्छे क्वालिटी का देखने को मिलता है और इंटीग्रेटेड ड्यूअल एरे मैक्स भी इसमें देखने को मिलता है। HP का फास्ट चार्ज सपोर्ट इसमें देखने को मिलता है और प्लस यहाँ पे आपको ड्यूअल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये लैपटॉप परचेस करना है तो बेस्ट बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ वहां पे जाके आप इस लैपटॉप को परचेस कर सकते हो। ये लैपटॉप किसको खरीदना चाहिए वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। अगर आप एक ऐसा लैपटॉप लेना चाहते हो जिसमें आपका ऑफिस का वर्क है वो काफी अच्छी तरीके से होना चाहिए, अगर आप ज्यादा ट्रैवलिंग करते हो और ट्रैवलिंग के दौरान आपको बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए तो डेफिनेटली आपको ये लैपटॉप कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर है वो यू सीरीज वाला प्रोसेसर है। यू सीरीज वाले प्रोसेसर होने की वजह से यहाँ पे आपको जो बैटरी बैकअप मिलेगा वो काफी अच्छा देखने को मिलेगा। ओके, पावर एफिशिएंट होने की वजह से यहाँ पे बैटरी बैकअप काफी अच्छा देता है यू सीरीज वाला प्रोसेसर, तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि ये लैपटॉप आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए, ठीक है ना। फिर से कह रहा हूं बेस्ट बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके आप इसको भी चेक कर सकते हो। बाकी फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।